हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विजिंग गैलरी। रक्षाबंधन स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट स्वीट डिश की रेसिपी, जिसका नाम है गुलाब के फ्लेवर वाली काजू की कतली। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कटोरी काजू। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और काजू की इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, काजू को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये पाउडर फॉर्म में हो चुका है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो काजू को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर, 5-6 चम्मच गुलाब का सिरप, इसकी जगह पे आप रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं। साथ ही ऐड कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच देसी घी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। इन केस इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं आती है तो आप इसमें रोज सिरप की मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये एक डो के फॉर्म में आ चुका है। इसे रोल कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में। तो एक प्लास्टिक शीट लेंगे या आप चाहें तो बटर पेपर ले सकते हैं। इसे घी से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसके सेंटर में रखेंगे तैयार किया हुआ डो। इसे कवर कर लेते हैं। अब बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेंगे इस तरीके से। इसे हम चौकोर शेप में बेलेंगे। तो इस तरह से बेलते हुए इसके किनारों को हम एडजस्ट करते जाएंगे जिससे कि ये चौकोर शेप में आ जाए। इसे इस तरीके से बराबर पतला बेलेंगे और हाथ से किनारों को एडजस्ट करके इसे हम स्क्वायर शेप में ले आएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा पतला ही बेला है, आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे चांदी का वर्क। वर्क लगाना ऑप्शनल है पर इससे ये अच्छे दिखते हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। तो इसे काटने के लिए यहाँ पर मैंने स्केल लिया है, तो स्केल से इसे मैं नाप के बराबर साइज में काट रहा हूँ। तो इस तरीके से हम सारे बर्फी को काट लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने काट लिया है। अब इसके हम पीसेस अलग कर लेंगे। तो सारे पीसेस को हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया काजू कतली बन के तैयार हुई है। इसे मैंने पतला रखा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लेते हैं सर्विंग प्लेट। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, गुलाब के फ्लेवर वाली स्वादिष्ट काजू कतली बन के तैयार है। इसे बनाना बेहद आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस रक्षाबंधन पे इसे आप बनाएं, खाएं और खिलाएं। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।